असलमकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप आप सब अच्छे से होंगे तो चलो फिर आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेटिंग अप यूनिफॉर्म इशू पॉलिसी फॉर होटल स्टाफ जो होटल का स्टाफ होता है होटल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो यूनिफॉर्म हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं उसकी पॉलिसी क्या है वो हम आज डिस्कस करते हैं द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड एवरी एम्प्लॉय विथ थ्री सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू हर हिज़ पोजिशन फॉर ए पीरियड ऑफ टू ईर्स हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जो है वो होटल के स्टाफ को यूनिफाम प्रोवाइड करता है विथ थ्री सैट्स तीन सेट्स थ्री सेट्स ऑफ़ यूनिफाम उनको प्रोवाइड करता है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू तो दियर पोजिशन दो सालों के लिए वो तीन सेट्स ऑफ यूनिफाम थ्री सेट्स ऑफ यूनिफाम उनको प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन उनकी क्या पोजीशन होगी उसी हिसाब से उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाती है दो साल के लिए इन केस ऑफ सूट्स एंड यूनिफॉर्म फॉर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट ऑनली टू सेट्स विल बी इशूड जो डाइनिंग रेस्टोरेंट है ठीक है फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट के दो होते है हैं ठीक है दो किस्म के रेस्टोरेंट होते हैं होटल के अंदर एक तो कैजुअल रेस्टोरेंट होता है और दूसरा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जो होता है ये थोड़ा वीआईपी टाइप का रेस्टोरेंट होता है ठीक है इसके अंदर जो फूड वगैरह मिलता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसके फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट अंदर के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ठीक है एफ एंड बी के उनका जो यूनिफॉर्म होता है वो उस वो सूट जो होता है वो डिफरेंट टाइप होता है बाकी लोगों से ठीक है तो उनको दो साल में सिर्फ से दो सेट्स दिए जाते हैं ठीक है थीके? और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं फ्रंट ऑफिस के फ्रंट ऑफ हाउस एम्प्लॉज ठीक है उनको भी साल में, दो एक दो साल में दो सेट्स दिए जाते हैं ठीक है उनका सेट भी डिफरेंट होता है बाकी स्टाफ से और जो बैक एरिया के एम्प्लॉज होते हैं ठीक है बैक बैक ऑफ हाउस एम्प्लॉयज ठीक है उनको थ्री सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म मिलती है इनकेस ऑफ फुटवेयर

the uniform worn by the employee must be clean and properly ironed. stains, holes, odors or the signs of wear and tear are not acceptable. जो यूनिफॉर्म होती है एम्प्लॉय की वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए कोई भी स्टैंड दाग कोई भी होल किसी किस्म का भी कोई भी प्रॉब्लम यूनिफॉर्म में नहीं होनी चाहिए वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाती है यूनिफाम एक्सचेंज विल बी डन ऑन ए वन रेशियो वन बेसिस दैट इज़ ए क्लीन यूनिफाम विल बी गिवन इन एक्सचेंज फॉर ए सॉयलिड वन जो यूनिफाम का एक्सचेंज होता है जब सुबह इम्प्लॉय आते हैं बिगनिंग में उनको यूनिफाम मिलती है और फिर जब वो शिफ्ट क्लोज करते हैं तो वो अपना यूनिफाम वहाँ पर डालते हैं ठीक है लिनिन रूम में डालते हैं जो फिर लॉन्ड्री जाता है वॉश करने के लिए तो एक्सचेंज यूनिफाम का क्या है एक बार ही अगर आपकी यूनिफाम ख़राब होती है तो वो आप वहाँ पे डालते हैं फिर आप वहाँ से नई यूनिफाम ले सकते हैं ठीक है एक्सचेंज के लिए एट द बिगनिंग ऑफ ई शिफ्ट शी ही विल पिक अप ए क्लीन यूनिफाम फ्राम द लिन रूम बाई गिविंग द सोलड यूनिफाम सुबह मॉर्निंग में जब आप शिफ्ट पे आते हो ठीक है मॉर्निंग में चाहे आफ्टरनून में जब भी आपका शिफ्ट स्टार्ट होता है तो आप क्लीन यूनिफॉर्म लेन रूम से उठा के सोयड यूनिफॉर्म वहाँ पे डाल सकते हैं सोयेड यूनिफॉर्म मींस डटी यूनिफॉर्म जो आपकी यूनिफॉर्म ख़राब हुई होगी ठीक है वहाँ वो यूनिफॉर्म वहाँ पे डाल के आप क्लीन यूनिफॉर्म उठा सकते हैं इफ़ द रिसीव्ड यूनिफॉर्म इज़ नॉट अप टू द एबो मैं स्टैंडर्ड्स द यूनिफॉर्म मस्ट बी एक्सचेंज फॉर ए क्लीन वन जब आप यूनिफॉर्म लेते हैं ठीक है तो ये जो ऊपर स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने बताया कि यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए क्या होना चाहिए ठीक है अगर उनमें से वो नहीं होगा यूनिफॉर्म के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो यूनिफॉर्म एक्सचेंज की जा सकती है ठीक है एट द एंड ऑफ ई शिफ्ट शी ही विल रिटर्न द यूनिफॉर्म टू द लिनन रूम एंड एक्सचेंज इट फॉर अ क्लीन वन मॉर्निंग एंड नाइट शिफ्ट एट द एंड ऑफ़ द शिफ्ट जब एंड शिफ्ट होता है ठीक है जब शिफ्ट एंड होता है तो उस टाइम पे क्या होता है यूनिफॉर्म आपने क्या करनी है वहाँ पे डालनी है चाहे वो मेल एम्प्लॉय हो या फीमेल एम्प्लॉय है ठीक है वो क्या करते हैं यूनिफॉर्म को रिटर्न करते हैं लिनन रूम में और वहाँ से एक्सचेंज करते हैं क्लीन वन ठीक है मॉर्निंग में नाइट शिफ्ट में इफ़ द लिनन रूम इज़ क्लोजड दैन द एम्प्लॉय विल कीप द दॉलड यूनिफॉर्म इन द अलॉटेड लॉकर एंड एक्सचेंज इट फॉर अ क्लीन वन द नेक्स्ट डे अगर लिनन रूम क्लोज है ठीक है लिनन रूम बंद है तो एम्प्लॉय क्या करते हैं उसको अपनी जो डटी यूनिफार्म है जो खराब हुई है वो अलाटेड लॉकर में रखना होता है ठीक है एम्प्लॉय इसको होटल के अंदर लॉकर अलाट होते हैं वहाँ पे वो चेंज करते हैं यूनिफॉर्म वगैरह तो उसको वो सॉलिड यूनिफॉर्म वहाँ पे रखनी है और सुबह फिर नेक्स्ट डे पे उसको क्लीन यूनिफॉर्म मिलेगी लिनन रूम से नो एम्प्लॉय शैल वेयर हर हिज यूनिफॉर्म आउटसाइड द होटल अनलेस ऑन कंपनी बिजनेस होटल का कोई भी एम्प्लॉय होटल की यूनिफॉर्म जो है वो होटल से बाहर नहीं लगा सकता ठीक है एट मोस्ट केयर ऑफ द यूनिफॉर्म विल बी टेकन बाय द एम्प्लॉय जो यूनिफॉर्म की केयर करनी है अपने अपनी यूनिफॉर्म की केयर करनी है वो एम्प्लॉय के हाथों में होता है वो अपने यूनिफॉर्म को कैसे संभालेगा एंड रेगुलर अपडेट ऑफ द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म्स इज़ टू बी गिवन बाय द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट टू ऑल डिपार्टमेंट्स इन आर्डर टू बजट फॉर न्यू परचेज जो यूनिफॉर्म की कंडीशन है वो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट वाले बाकी डिपार्टमेंट्स को देते हैं ठीक है या अगर न्यू यूनिफॉर्म लेनी होगी बजट होगा ठीक है नई यूनिफार्म मंगानी होगी तो वो भी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट वाले देते हैं ठीक है यूनिफॉर्म मस्ट बी कंप्लीट एंड इम्पैकेबल एंड नेम टैग्स टू बी वॉन बाय ऑल होटल स्टाफ्स यूनिफार्म जो होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि शर्ट नहीं है वो नहीं है टाई नहीं है पैंट नहीं है ये सारी चीज़ें और जो नेम टैक्स होते हैं यूनिफार्म की शर्ट के ऊपर या कोट है जो भी आपने लगाया है तो उस पर नेम टैक्स जो होते हैं एम्प्लॉयज़ के होटल स्टाफ के वो भी होने चाहिए सो so, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है आज का ये था सेटिंग अप यूनिफॉर्म इशू पॉलिसी फॉर होटल स्टाफ जो होटल का स्टाफ है उनके लिए जो सेटिंग यूनिफॉर्म सेट की जाती है उसकी पॉलिसी क्या है ठीक है सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा आज का टॉपिक थैंक यू वेरी मच